नमस्कार, इंडिया 24 में सावन लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। अयोध्या में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 के 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में अयोध्या पुलिस ने सफलता पाई। तीनों के ऊपर 25 अप्रैल को बीकापुर में तैनात एक पुलिसकर्मी पर गोली चलाने का आरोप था। बीती रात सूचना मिलने पर मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ की कार्यवाही के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली भी लगी है, जबकि एक अन्य बदमाश को घेर कर गिरफ्तार किया गया है। तीनों बदमाशों के पास अवैध हथियार और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पांडे ने बताया कि 25 अप्रैल को बीकापुर में देर शाम पुलिसकर्मी के ऊपर बदमाशों ने गोली चलाई थी। इस घटना में 3 बदमाश अभिषेक तिवारी, प्रमोद और शुभम पाठक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बीती रात तीनों बदमाशों को चोर बाजार इलाके में गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। इसी दौरान मुठभेड़ हुई और पुलिस द्वारा चलाई गई गोली में बदमाश शुभम पाठक और प्रमोद को गोली लगी है, जबकि अभिषेक तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 3 पिस्टल, 32 बोर जिंदा कारतूस व 1 बाइक बरामद हुई है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए सोनू यादव की रिपोर्ट। थाना बीकापुर क्षेत्र में बीती रात अपराधियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें आत्मरक्षार्थ फायरिंग में 2 अपराधी जिनके नाम शुभम और प्रमोद हैं, उनको गोली लगी तथा 1 अपराधी अभिषेक गिरफ्तार किया गया। तीनों पर 25,000 रुपये का इनाम था। अवगत कराना चाहेंगे कि दिनांक 25 अप्रैल 2021 को थाना बीकापुर क्षेत्र में एक कांस्टेबल जितेंद्र को इन अपराधियों ने गोली मारी थी, जिसके उपरांत जो पुलिस कांस्टेबल है वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और उनका इलाज हुआ। और ये तब से ये तीनों अपराधी फरार चल रहे थे और इस घटना में वांछित थे। मुठभेड़ में इनसे अवैध असलहे, कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई प्रचलित है।